बात करेंगे उमरिया की। आचार संहिता लागू होते ही राजस्व में अमले ने रेत माफियाओं के विरुद्ध में धरपकड़ की कार्रवाई की है। इसी क्रम में वीर सिंहपुर पालिक क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर को राजस्व की टीम ने पकड़ा है। बता दें कि तहसीलदार दिलीप सोनी ने इस ट्रैक्टर को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर MP54ZA9996 है, जो कि नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद संध्या रानी पांडे का है। इन दिनों क्षेत्र में रॉयल्टी का काम बंद किया गया है, फिर भी क्षेत्र में रेत का काला कारोबार तेजी से चल रहा है। वहीं रेत चोरी का मामला लंबे अरसे से समाचार पत्रों की सुर्खियों में है, जिसके चलते बीते दिनों राजस्व अमले ने रेत से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने में महारत हासिल की है। सुबह मुझे जानकारी मिली थी कि कुछ रेत के अवैध खनन होने वाले हैं। उसके संबंध में मैं क्या है कि अभी यहाँ से बरबसपुर की ओर गया था। वहाँ पे ट्रैक्टर जो है ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि ड्राइवर के मालिक हैं ना संध्या रानी पांडे हैं, और ट्रैक्टर का जो नंबर था वो MP54ZA1996 था, और इसका उत्खनन जो है जोहिला नदी से किया जा रहा था, और जिसमें ये बताया गया कि जोहिला नदी से लेकर भी शायद सूपा की ओर सप्लाई कर रहे थे। ये अभी ड्राइवर ने बताया कि कोई इनके मालिक संध्या रानी पांडे हैं, उन्हीं की बताई गई है। अभी इस पर क्या है कि प्रकरण बनवा करके और ना इसे थाना पाली अंतर्गत सुपुर्द किया गया है ट्रैक्टर को, और प्रकरण SDM सर को प्रस्तावित कर दी गई है, जो कि ना उनके माध्यम से कलेक्टर साहब को प्रस्तावित होगा।